द रेड माइक में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूं संकेत उपाध्याय इस कार्यक्रम का नाम है दिल्ली दर्शन क्योंकि ये कार्यक्रम हमारी प्यारी दिल्ली में होता है और इस कार्यक्रम में हम करते क्या हैं कि कुछ महान हस्तियों से बात करते हैं जब वो दिल्ली आते हैं यह जानने का प्रयास होता है कि वो हमारी दिल्ली में आकर के क्या हासिल करना चाह दिल्ली छोड़ दीजिए वो अपने जीवन में जो महान बने हैं वो उन्होंने हासिल कैसे किया शब्दों पर गौर फरमाइए कैसे वो इस दुनिया की जो आपाधापी है उसमें बहुत तेज भागे भागने के एक खिलाड़ी बन गए ऐसे खिलाड़ी जैसे कि पान सिंह तोमर हुआ करते थे सूबेदार कैसे वो फिल्मों के डायरेक्टर होते होते एक, एक एक्टर भी बन गए और इस दुनिया के चलिए दुनिया अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो इस देश के कम से कम बड़े जाने माने विलन में से एक बन गए और वो भी कुछ इस अंदाज में कि अगर उनको आपकी बात पसंद ना आए तो आपकी ठुड्डी पकड़ के कह दें कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा हमें तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे कौन है ये शख्स आइए मिलते हैं दिल्ली दर्शक तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपका फॉर्मली स्वागत करूँ या क्योंकि सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच दिग्वानशु जी अरे यार समय देने के लिए अरे कभी भी कभी भी द रेड माइक में रेड माइक के लिए कभी जो भी लाल है उसके लिए कभी भी <laughs> आप का जैसे कहा जाता है ना ये मेरा पुराना नाता है तो दिल्ली से आपका एक पुराना नाता है हुँ. तो जब हम दिल्ली दर्शन कर रहे हैं और हम यहाँ लोधी गार्डन में हैं ज़बरदस्त खूबसूरत ये मॉर्निंग वॉकर्स का बड़ा पैराडाइज है पैराडाइज है दिल्ली के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं आपका क्या हो रहा है मुझे दिल्ली बहुत पसंद है एक्चुअली हाँ। मुझे वो शहर बहुत अच्छे लगते हैं जिनका एक जिनमें एक इतिहास जुड़ा हो ना तो दिल्ली तो खैर ज़्यादा हाँ। कहाँ होगा कहीं जैसे मुझे कलकत्ता बहुत पसंद है मुझे चेन्नई बहुत पसंद है मुझे अपना शहर इलाहाबाद उसके लिए तो मैं जान छिड़कता हूँ उस शहर के लिए तो दिल्ली में ये है कि मैं ड्रामा स्कूल में आया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पे एटी सिक्स में तो वहाँ तीन साल पढ़ाई फिर चार साल फिर मैं रहा दिल्ली हाँ। मयूर विहार में हाँ। फेज वन अरे वाह और वो हिंदुस्तान टाइम डिपार्टमेंट ऊना अपार्टमेंट यहाँ पे मैं रहा चार साल तो मैं प्रदीप किशन और अरुंधति रॉय को असिस्ट करता था अच्छा उन्होंने फिल्म बनाई थी इलेक्ट्रिक मून और फिर बैंडेड क्वीन भी दिल्ली से ही हुई देख के गिर जाओगे याद रखो हम लोग एक डायरेक्टर का इंटरव्यू कर रहे हैं <laughs> कैमरा वर्क गंदा नहीं होना चाहिए हाँ। सॉरी तो बस उनको किया बैंडेड क्वीन बनाई फिर मैं 93 तक यहीं था हाँ। तो मैं बॉम्बे गया तो मेरा और दिल्ली का मुझे कोई भी बहाना मिलता है आने हाँ। का तो मैं तुरंत पहुंच जाता हूं दिल्ली हाँ। तो बहुत पसंद है मुझे दिल्ली बहुत सारे कारणों से मुझे चांदनी चौक बहुत पसंद है अभी मैं एक वेब शो डेवलप कर रहा हूँ चांदनी चौक पे अच्छा अरे वाह तो खूबसूरत शहर है यार बढ़िया लोग हैं मजेदार हैं खाना अच्छा है मौसम बढ़िया है मुंबई बहुत कंजस्टेड है खचर पचर हाँ। है हाँ। इतना गंदा ट्रैफिक है हाँ। छोटा सा है ना बॉम्बे बड़ा नहीं हो सकता ना आइलैंड जैसा है कहाँ समुद्र में तो घुसेगा नहीं आदमी दिल्ली बढ़ता रहता है तो हाँ। कम से कम उसकी खूबसूरती बरकरार है सिनेमा में इसका लेकिन उस तरीके का आप उसको देखते नहीं है एग्जिबिट होते हुए दिल्ली को कई हाँ, हाँ, लोगों ने बनाई है दिल्ली पे मतलब दिल्ली छ भी बनाई थी किशोर कुमार जी की एक बहुत पुरानी फिल्म है नई दिल्ली न्यू दिल्ली मतलब फिफ्टीज की उसमें पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन वो मतलब वो, एग्जीबिट किया लेकिन वो हमेशा एक वैनिटी प्रोजेक्ट की तरह डेली प्रोजेक्ट हुआ जो जिसे कहते हैं ना डेली ग्राइंड वो हमेशा आंखों को जैसे तो किशोर कुमार न्यू न्यू डेली थी जिसमें रोमेश शर्मा जी ने बनाई थी जर्नलिज्म शशि कपूर थे उसमें उसमें भी दिल्ली को अच्छा दिखाया हाँ।

शुरुआत से शुरू करते हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यू आर नॉट ओरिजिनली फ्रॉम इलाहाबाद और मैं मान सकता हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जो अभी भी उसको इलाहाबाद ही मानते हैं हाँ हाँ, प्रयागराज नहीं क्योंकि ऐसी मैं ऐसे बहुत तमाम लोगों से मिला हूँ जो ये बोलते हैं कि भाई हमारी नजरों में वो इलाहाबाद ही रहेगा हमेशा प्रयागराज हो भी नहीं सकता वो आर नॉट ओरिजिनली फ्रॉम इलाहाबाद आपका परिवार Uh, उत्तराखंड से जी यू आर यूर बॉर्नसो इन उत्तराखंड नो इलाहाबाद अच्छा आपकी पैदा इलाहाबाद की ठीक तब और, तो तो उत्तराखंड उत्तराखंड हाँ. पार्ट ऑफ बना यूपी था पूरा हाँ. हाँ. तो फादर क्योंकि जुडिशरी में थे हाँ. तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ही मतलब मेरे फादर भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही पढ़े बी एम एल एल वी सब उन्होंने वहीं से किया तो प्रैक्टिस करने के लिए वो इलाहाबाद आए थे मैं भी हो गया वहीं तो आपका शहर इलाहाबाद है एकदम इतना स्पेशल क्यों है वो आपके लिए शहर हाँ उससे इलाहाबाद जैसा श... सेंटिमेंट इवोक करता है मेरा देखिए वो तो है कि मेरा पर्सनल एक है कि मैं वहाँ का हूँ अगर मैं किसी को समझाऊँ इलाहाबाद का तो उसको हाँ। भी प्यार हो जाएगा इलाहाबाद से इलाहाबाद जैसा शहर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है दूसरा हाँ। सब कुछ था अब तो वो शहर बेकार हो गया है हाँ। लेकिन सब कुछ था जो भी अगर कोई भी बच्चा या कोई भी कुछ भी जिंदगी में कुछ सीखना चाहता हो उसके लिए इलाहाबाद से अच्छी जमीन नहीं हो सकती थी एवरीथिंग वॉज देयर मतलब लिटरेचर से लेकर के इतने नामी लेखक सब हुए हैं पॉलिटिक्स से लेकर के म्यूजिक से लेकर के और मैं बताऊँ एक ही क्योंकि एक कॉलोनियल एक इन्फ्लुएंस इलाहाबाद में हमेशा था करेक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब नॉर्थ प्रोविंस का कैपिटल था इलाहाबाद तो पुलिस हेडक्वार्टर, ए जी ऑफिस एक अंग्रेजों का बहुत बहुत, एजुकेशन बहुत अच्छी है वहाँ पे तो उन सब से हिंदी नहीं हिंदी और इंग्लिश दोनों तो मैं बोलते रहे हाँ। तो मैं, जम, जम, हाँ, तो मैं इलाहाबाद तो कहता हूँ गंगा जमनी और टेम्स तीनों की अब बताइए मेरा दोस्त होता था गुजर गया उसका नाम था अमित सहगल ठीक है तो हमारा बैंड भी होता था वो तो कई लोग नहीं पता मेरा थोड़ा तो अंग्रेजी म्यूजिक की तरफ भी मेरा बड़ा था। मैं गिटार भी आया था बैंड था हाँ। हमारा पैरानोइड हाँ। तो अमित सहगल वो उसकी वो गुजर गया अभी कुछ सालों पहले हाँ। अब इलाहाबाद से हिंदुस्तान की हाँ। पहली और आखिरी हाँ। वेस्टर्न म्यूजिक पे मैगजीन रॉक स्ट्रीट जर्नल वो इलाहाबाद से निकलती थी बाद में वो दिल्ली आ गया दिल्ली से प्रेस लगीज्रेस किस साल की बात है यार ये वही होगी थ्री नाइन्टी से चालू हाँ। हुआ हुआ तो और वही सपोज तो टू बी द ग्रैंड डैडी ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक इन इंडिया हाँ। सब जितने रॉकर्स हैं सब बाप मानते हैं अब वो इलाहाबाद से मतलब हाँ। मैं बाकी निराला महादेवी वर्मा इन सब की बात ही नहीं कर रहा सबको मालूम है अब ये इन्फ्लुएंस आप देखिए संगम इलाहाबाद में है वाह तो एक स्पिरिचुअल पोलिटिकल लिटरेचर से जुड़ा हुआ इंग्लिश म्यूजिक हिंदी में कहीं नहीं है हाँ। इतनी फिल्में मैंने देखी इलाहाबाद में मतलब जब मैं अपने दोस्तों को बोलता बहुत तो मैंने थिएटर में देखी है तो लोग हाँ। मानते नहीं हाँ। अरे तो सब में। सब इलाहाबाद तो बहुत जो भी मैं हूं फिल्म का बफ बना देखा हाँ। फिल्म क्लब था हमारा यूनिवर्सिटी में हाँ। तो बड़े यूरोपियन सिनेमा 16 मिलीमीटर mm पे दिखाई जाती थी वो सब था इलाहाबाद में इमेजिन द सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर वो कहने को छोटा शहर लेकिन एक्सपोज़र देखिए आप ऑक्सफ़ोर्ड ऑफ़ द ईस्ट आपको ये तुलना कैसी लगती है कानपुर मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट इलाहाबाद ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट व्हाई ऑब्सेशन टू कंपेयर टू ब्रिटेन इट्स इट्स अ ब्रिटिश थिंग उनको अपना एक कंपैरिजन चाहिए तो नोने, नोने दिया हाँ. कपड़े मैनचेस्टर अच्छे बनते हैं हाँ. कानपुर हाँ. हाँ. कर दिया हाँ. और पढ़ाई लिखाई इन सब से इलाहाबाद हाँ ऑक्सफोर्ड कर दिया उन्होंने अब यही है ना ऑक्सफोर्ड को आप एक बेंच मार्क बना बेंच मार्क इसलिए है हाँ। यूपी में एक टाइम पर वेलमैक सिटीज़ माना जाता था वेलमैक मतलब वाराणसी आगरा लखनऊ एम से मेरठ फिर ए से इलाहाबाद एंड के फॉर कानपुर So अच्छा, वेलमैक ऑफ uh, ये सब अंग्रेजों की देन है साहब उन्होंने मैपिंग की हुई थी कि ये छह शहर हैं अब ऑबली अब उसमें नोएडा भी जुड़ गया है बट गॉन अच्छा मुझे हाँ। तो ये आपका सो दिस इज ये उत्तर प्रदेश का नहीं ये इलाहाबाद का प्यार है बिल्कुल आइए थोड़ा और उत्तर प्रदेश तो इतना हाँ। बड़ा है कि उसमें आइए बहुत सारी मतलब हाँ। अलग अलग कौन सा वो वाला अच्छा आइए हाँ hmm. उत्तर प्रदेश अब वेस्टर्न यूपी ले लो तो आपको बाकी इतना फर्क है वेस्टर्न यूपी हाँ हाँ, हाँ हाँ वो रिलेट करना थोड़ा मुश्किल होता मुझ्किल। है यू कॉन्ट आइडेंटिफाई अयोध्या इलाहाबाद और अवध विद वेस्ट यूपी एब्सोल्युटली आइए अब बनारस इज नोन फॉर मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा जी एक हिंदू रिलीजन की आइडेंटिटी है ना लखनऊ को आप देख लीजिए तो नवाबी शान इलाहाबाद को देख लीजिए तो सब कुछ है उसमें मतलब इलाहाबाद में बनारस भी है लखनऊ भी है और लंदन भी है बहुत वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग हाँ संगम शिक्षा और एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्योंकि अंग्रेज़ों ने सब कुछ तो इलाहाबाद में बनाया सारा गढ़ तो इलाहाबादी में लेकिन अब आप बर्बाद क्यों मानते हैं अरे मैंने बहुत बात बोला भी है कि एक तो वहाँ ट्रेन चली एक प्रयागराज एक्सप्रेस ठीक है <laughs> तो उसने एक्चुअली बहुत अच्छी बात है बहुत जोड़ दिया बहुत अच्छी बात तो है लेकिन उसने इलाहाबाद तो ख़राब भी कर दिया सब लोग दिल्ली आ गए पहले दिल्ली जाना इलाहाबाद से बहुत बड़ी बात होती थी कि गुरु दिल्ली जा रहे हैं दिल्ली टाइम लगता था दिल्ली अब वो प्रयागराज रात को बैठे सुबह पहुंच जाओ अच्छे वही चीज़ तो लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ने यहाँ भेजने लगे जो भी संभालते वो अफोर्ड कर सकते थे इलाहाबाद वकीलों का शहर है बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट तो कई वकील जो थे जो अच्छा जिनका काम था वो दिल्ली हाई कोर्ट में आके प्रैक्टिस करना है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है लोगों ने बिजनेस फैला दिया बिकॉज ऑफ द ट्रेन करेक्ट और इलाहाबाद की जो आप मान कई लोग कहते हैं तो माँ बहुत इलीटेस्ट किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कहा है क्योंकि हाँ, तो कुछ अच्छी चीजें भी होती है तो वो जो इलीट था जिसकी वजह से इलाहाबाद एक्चुअली में इलाहाबाद था जो कंट्रीब्यूट करता था आर्ट एंड कल्चर और दूसरी वो सब इलाहाबाद छोड़ के चले गए बिकॉज ऑफ दैट वन वन ट्रेन ट्रेन एंड फिर क्या है जैसे फिर वहाँ पॉलिटिक्स में जैसे रीजनल पार्टीज का जन्म ज्यादा हुआ ना बसपा सपा जब आई और तो उससे इलाहाबाद में बाकी ईस्टर्न यूपी पूर्वांचल के लोगों का पलायन निधर हुआ हुआ hmm. hmm. अब जैसे लिट्टी चोखा है yeah. मैंने अपने रहते हुए इलाहाबाद में कभी लिट्टी चोखा क्या होता मुझे पता ही नहीं था yeah, आज की तारीख में इलाहाबाद में हर कोने कोने में yeah. लिट्टी चोखे की दुकान है मुझे लिट्टी समझ में समझ में आती जो भी है, है तो अब वहाँ लिट्टी चुका लिट्टी चुका हो गया हाँ। तो वो लोग चले गए इलाहाबाद के और बाकी छोटे छोटे आजमगढ़ गाजीपुर जौनपुर यहाँ के लोग जो है आके रहने लगे अच्छी बात है आके हाँ। रहने लगे तो उसकी वजह से इलाहाबाद की अपनी जो आइडेंटिटी वो बहुत डाइल्यूट हो चुकी है मतलब अभी तो ख़त्म ही हो चुकी है जिस पलायन की आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे है कि इलाहाबाद वाले दिल्ली चले गए और आस के पूर्वांचल के लोग इलाहाबाद आ गए क्योंकि उन सब लोगों के लिए एक ग्रीनर पास्चर जो उनको दिखा वो अपने उस हिसाब से चले आए ये चीज़ आपको पता है अवध क्योंकि इस पर आपसे खासी चर्चा हो चुकी है लखनऊ में भी यही हाल है लखनऊ में भी यही हाल है बिल्कुल सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद अवध नॉट बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई इथ्सेल्फ अपनी रिच कल्चर और लेगेसी पर गौरान्वित महसूस करने का एक नहीं है नहीं है और वो धीरे धीरे जा रहा है हाँ अगेन आई मीन आई नो योर ओपिनियन अबाउट भोजपुरी म्यूज़िक और ख़ास तौर से जिस तरीके से अब भोजपुरी म्यूज़िक बनने लगा है लैंग्वेज खराब नहीं है लेकिन उसके नाम पर पॉपुलर कल्चर में जिस तरीके से अब आप देख लीजिए भोजपुरी ही फिल्मों का एक ऐसा रीजनल फिल्म है बंगाली है सब तमाम जगह सब जगह सिनेमा अच्छा है बंगाल और केरल मलयालम सिनेमा का तो एक बहुत ही आर्टिस्टिक एक रहा है हमेशा अच्छी बेहतरीन पिक्चरें बनाते हैं सत्य त्रे से लेके अब्दुल गोपाल कृष्ण जी अभिविंदन तमाम लोग हैं मराठी में कितना अच्छा सिनेमा बन रहा है गुजराती में भी अच्छा, अच्छा बन जाती है पिक्चरें कुछ कभी कभी पंजाबी मूवीज पंजाबी फिल्म कितनी अच्छी बन रही है ये भोजपुरी फिल्में ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ के ऑडियंस जो है एक तो हिंदी वाला है ना जो ठीक ठाक ऑडियंस है वो हिंदी पिक्चरें देखती है और जो तबके के लोग हैं उनके लिए लोग कैटर करें बट लैंग्वेज के साथ कोई जैसे तुम कह रहे हो गौरवान्वित पे फील पे प्राइड यू डोंट फील दैट या वो इसकी वजह से वहां का सिनेमा बहुत ही फूहड़ है या yeah. अश्लील है खराब है hmm. कोई काम ही नहीं करता उस पर yeah. अभी मेरा कितना मन था जैसे कि वही सीताराम पांडे सूबेदार <laughs> जी के फादर की जी ये इतना मन है उस पर पिक्चर बनाने का मतलब वो आर्काइवल मटेरियल है वो पिक्चर नहीं म्यूजियम होगी मतलब लेकिन कौन करेगा फंड उसको इट्स अ स्टोरी मैं दर्शकों को बता दूँ एक सिपाही थे जिनका नाम था सीताराम पांडे और वो थे तिलोई रायबरेली के और वो अंग्रेज़ों की भारत जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में और जो उनके जो जनरल थे उन्होंने सीताराम पांडे की लिखी हुई अवधि में किताब उसके उनके इम्प्रेशन ब्रिटिश आर्मी की उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि वो किस तरीके से देख रहा है एक बड़ी अजीब और रोचक चीज़ पता चली अवध में बहुत सारे वर्ड्स पलटनिया अवधि से आई है पलटनिया अवधि मतलब जो फौजी। जो फौजी क्योंकि अवध से बहुत सारे फौजी गए थे तो उसमें एक वर्ड है जब ऐसे आपको किसी को बोलना हो ना कि बहुत बड़ा अगर आप हीरो बन रहे हैं तो कहते ज़्यादा अजूटन ना बनोटन को ज्यादा अजूटन ना बनो ये वहां से आया है बट ये आई यूर राइट मतलब वो कौन फंड करेगा किसको इंटरेस्ट है किसको इंटरेस्ट है तो ये हमारे देश में भी प्रॉब्लम है अब पुराने मॉन्यूमेंट्स को भी देख लीजिए किस तरह से उनकी मतलब हालत है चलिए लोधी गार्डन तो ऐसी जगह यहाँ तो पे इतने लोग आते हैं सागर दिखाएगा बट ये तो फिर भी और चीज़ें अगर आप देखिए कुछ तो नहीं अरे मैं चंबल अगर आप चले जाइए मैं तो इतनी पिक्चर बनाई चंबल में अगर चंबल अमेरिका में होता ना तो इस पर नेशनल हेरिटेज साइट हो होता वो लेकिन वहाँ पे है तो, तो खूब पिया है वहाँ शूटिंग के दौरान अब क्या है वो विजय ग्रैंड कैनियन जैसा है अमेरिका वैसा लगता है वो एक तरफ एमपी पी दूसरी तरफ यूपी राजस्थान एक्सट्रीमली क्लीन मतलब अच्छा उसका कारण ये है मैंने जब पूछा वहाँ से कि ये नदी इतनी साफ कैसे है तो वो जो फैक्ट्रिया नहीं है ना उसने बोला कि दूसरी चीज यहाँ के लोग इसको एक एक ऐसी मिथ्या चल पड़ी है कि ये सीक्रेड नहीं है ये नदी इट इज़ नॉट अ सीक्रेट रिवर बहुत कितनी बढ़िया बात है पवित्र नदी होती तो यहाँ लोग पन्निया गिरा रहे होते तो चम्बल के बारे में जो भी है ना कि जब वो कौन था जो अपने पेरेंट्स को क्या नाम था जो श्रवण कुमार श्रवण कुमार चंबल चंबल के पानी में कुछ है हाँ। बगावती पानी है वो श्रवण हाँ। कुमार ने वहाँ पानी पी के पेरेंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था चंबल का क्योंकि आपने जिक्र किया तो यहाँ पर पान सिंह तोमर के बारे में बात करना ही पड़ेगा बिकॉज आई आई फेल्ट आपकी मूवीज में एक तो हासिल और दूसरा ये पान सिंह तोमर ऐसे बिल्कुल मतलब दिल पर थक से लगने वाली जो मूवीज़ होती है ना उनमें से थी और अगर मैं आप मुझे इजाज़त दें एक एक सीन जो मुझे नहीं मालूम आपको कितने लोगों ने ये चीज़ बोली होगी वो सीन मुझे बहुत पावरफुल लगता है जिसमें इरफान एक पुलिस वाले को उसकी वर्दी से माफ़ी मंगवाते हैं हे hey, वर्दी <laughs> वो इम्प्रोवाइज़ किया था उसी वक्त

तो फिर आप मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को एक भाषा पे पकड़ बहुत जरूरी है hmm. Hmm. जैसे नसीर भाई भी बोलते हैं ना कि स्क्रिप्ट मिले किसी एक्टर को तो उसको बार बार पढ़ो hmm. जितनी बार पढ़ोगे ना तुमको उसके मायने नए 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 निकलते रहेंगे एक्टिंग वो तुम कर पाओगे hmm. तो अगर भाषा की फैसिलिटी तो हो जाता है hmm. इसी वजह से हुआ इंप्रोवाइज नहीं तो करने का हमारे आप देखिए मेन स्ट्रीम एक्टर्स कहाँ इंप्रोवाइज कर पाते करते सुबह शाम तक घर में तो अंग्रेजी में बात करते हैं सही बात स्क्रिप्ट भी उनको रोमन में मिलती है हाँ फिर वो थोड़ी बहुत जो हिंदी है उसमें बोल देते हैं तो इम्प्रोवाइज कहाँ कर पाते हैं हाँ। उन लोग इसीलिए बुरे एक्टर हैं सब सबु <laughs> जी डज नॉट मीन्स हिज वर्ड्स ये मैं आपसे जितनी बार मिला हूँ उतनी बार ही एहसास हो गया है, <laughs> है? भोजपुरी सिनेमा को देर इज नो रूम फॉर डिप्लोमेसी इन योर डिक्शनरी जो जैसा है बोल दिया हाँ मतलब तो ये तो टैलेंट वाली बात है इसमें क्या टैलेंट तो दिख जाता है ना डिप्लोमेसी hmm. तो, तो चली गई नहीं सरकारी नौकरी थोड़ी है <laughs> <laughs> कि बेवकूफ लोग भी खप जाते हैं <laughs> <laughs> मैं एक बार फिर से वापस लौट रहा हूँ पान सिंह तोमर पर बिकॉज दैट मूवी हैज़ रियली लेफ्ट वेरी डीप इम्पैक्ट इन द वे आई एटलीस्ट वॉच सिनेमा एक तो उस मूवी के बारे में एनी थिंग दैट वी डोंट नो Uh, वो आपका एक ऐसा जिसे कहते हैं ना अ पैशन प्रोजेक्ट जिसको आप ये मान के चल रहे थे कि मैंने बहुत बढ़िया सिनेमा बनाया है लेकिन उसके साथ साथ फिर वो फ्रस्ट्रेशन कि वो रिलीज़ नहीं हो रहा है एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा था जिसमें जब लोगों ने तारीफ की सिनेमा हॉल में तो आई स्टिल रिमेंबर योर वर्ड्स यू सेड हम लगे पपक पपक के रोने इतना मुकम्मल डायरेक्टर होने के बावजूद uh, क्या आप अपने आप को कभी कभार ऐसा मजबूर पाते हैं

लिखता भी हूँ सब कुछ वो सब हो जाएगा लगाने का काम आपके हाथ में है नहीं अगर आप अलग तरह का कुछ काम करना चाहते हैं तो जिस तो उस पे बाकी लोगों का कमरे में बैठ के के देख तारीफ तो करेंगे लेकिन कहता है देखेगा कौन इसीलिए हमारे यहाँ फिल्मों में मेन स्ट्रीम में नया काम नहीं होता है क्योंकि सब फिल्मों की फिल्में बनाते हैं यहाँ पे भाई हिंदुस्तानी सिनेमा का बहुत बड़ी ट्रेजिडी रही है पार्टीशन के बाद जब लाहौर में भी फिल्म इंडस्ट्री थी बंगाल में तो है तब भी थी तो सब जगह थी महाराष्ट्र में तो कोल्हापुर पुणे सब जगह थी yeah. स्टूडियो सब जगह थे उसके बाद सब लोग इधर आए बॉम्बे तो ये लोग बाहर के लोग आए मैं hmm. बिमल रॉय आए ऋषिकेश मुखर्जी आए आनंद ब्रदर्स पंजाब से आए चेतन आनंद yeah. देवानंद सब yeah. Yeah. और पृथ्वीराज कपूर भी वहाँ hmm. से आए तो सब अपना एक्सपीरियंस अपने जिस भी शहर में रहते तो उसका उसकी कहानियां उस तरह के रिश्ते तहजीब उठना बैठना सब, सब ले कर सब लेके आए हाँ। और उनका सिनेमा फिफ्टीज का अगर आप देखिए तो फ्रेश अब क्या वो ये लोग बॉम्बे आ गए फिर वहां शादियां हुई सबकी फिर तो वहां पे उनके बच्चे हुए वो बच्चे तो बॉम्बे वाले हो गए आ, वो तो सिर्फ बॉम्बे के बाहर जाते होंगे जब पिताजी में देखा नहीं तो उनके बच्चों ने फिल्मों की ही फिल्में बनाई ऐसी बनती ना पिक्चर ऐसी हीरो चार गाने होंगे क्लाइमैक्स होगा एक कॉमेडी फॉर्मुलर फिल्म्स का जो हमारे ऊपर एक तोहमत लगाई जाती है हिंदी सिनेमा में वो फॉर्मुलर बनने लगी उनके फिर टू थाउजेंड इतना बड़ा गैप कि मैं फिर वो चेंज आया जब फिर फिल्म मेकर्स बाहर से आए मतलब हमने हमारे मेरी मेरी जमात के लोग अनुराग कश्यप इम्तियाज अली विशाल भरद्वाज सुजीत सरकार करेक्ट मैं दिवाकर बैनर्जी करेक्ट सब लोग बाहर के हैं और सब छोटे शहर के हाँ। सब हैं और फिर हमने 2000 में सब मकबूल हासिल और ब्लैक फ्राइडे और तमाम फिल्में कुछ सोचा ना था इस सब फिल्में बनी और नया एकदम और सब पिक्चरें चली हाँ ऑडियंस उनको तो लपका खूब बिल्कुल और फिर हम भी थोड़ा ग्रीडी हो गए हमारा भी थोड़ा पतन हुआ लेकिन अभी भी निकल आता है आते हैं <laughs> तो ये तो चलता रहता है प्रोसेस तो ये ये आप मानते हैं कि एज अ डायरेक्टर ये सेल्फ रियलाइजेशन या एक्टर्स या एनीवन फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उसको ये रियलाइजेशन होता है कि मैं फॉर्मुल खो रहा हूँ और अब मुझे इस फॉर्मूले से बाहर निकलना है फॉर्मुलेट तो नहीं हो रहा हूँ यार कभी कभी ना घर चलाने के लिए भी कभी जल्दबाजी में पिक्चर जब बनती है ना तब तो प्रॉब्लम हाँ। होती है आपकी जल्दबाजी वाली पिक्चर कौन सी है साहब ये गैंगस्टर पार्ट थ्री हाँ। वो जल्दबाजी भी नहीं थी वो ग्रीड था एक तो वो सब काम नहीं था मेरे पास फिर यही जगह साहब बीबी की फ्रेंचाइजी को बढ़ाते हैं और संजय दत्त अरे संजय दत्त संजय दत्त को भी मैं उसको बहुत मानता हूँ उसके ये अग्रीड टू डू दैट फिल्म और लगा कि सानवी पहली पिक्चर होगी और वो वो ग्रीड था बेसिकली hmm. वो पिक्चर का बैलेंस ही खराब है hmm. जिमी शेरगिर माही और सनली संजय दत्त yeah. yeah. एक संजय दत्त yeah. अलग लीग yeah, का एक्टर yeah, yeah, yeah. है yeah, 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 yeah. फिर पहले क्या रणदीप हुडा था गैंगस्टर hmm. फिर hmm. सेकंड में इरफान था गैंगस्टर अब यहाँ तक संजय दत्त आते हैं बैलेंस ही बिगड़ गया तो वो बहुत बेकार पिक्चर मेरे हिसाब से थी बहुत <laughs> अपनी पिक्चर को बेकार बोलना इस लाइंग से मेरी अपनी स्टोरी हालांकि हम बोलते हैं जर्नलिज्म में कभी कभार अगर अपनी स्टोरी ख़राब हो जाए तो हम बोलते हैं ये स्टोरी बकवास काम करके हैं लेकिन बकवास काम कभी कभार जब आप व्यूज़ देखते हैं तो आपको लगता है ये तो बहुत देखा जा रहा है तो जो आप बोल रहे हैं कि सिनेमा का सिनेमा बनाया दिग्वान्शु जी ये जो एक्टर्स हैं ये वो काम नहीं करते या डायरेक्टर्स ये काम नहीं करते अगर वो कंज्यूम नहीं हो रहा होता

ट्रैशी हो गई बट लोगों ने देखा उनके पास क्या काम है देखेंगे बेचारे hmm. पूरे मोबाइल पे लोग जब ये सब रील्स देखते हैं क्या है वो इन्फ्लुएंसर्स जो है, ये कौन है? Hmm. उनसे आप दो मिनट बात नहीं कर सकते इनका मेंटल लेवल कितना नीचे है hmm. लेकिन ये लोग हैं? तो तो की है। hmm. समाज नीचे गया है समाज में जो अच्छा बुरा था मोरालिटी का सेंस तो खराब हुआ ही है एक आर्ट एंड कल्चर को भी लेने का एक जो कंज्यूम करने का जो है आज की ऑडियंस बहुत बेवकूफ़ है मतलब उनका मेंटली बहुत बेवकूफ़ है आज से बीस साल पुरानी ऑडियंस है hmm. और नीचे आए आपका एक्सपोजर बहुत हो गया है <coughs> तो सोशल मीडिया और इंटरनेट लेकिन मेंटली इंटेलेक्चुअली लोग उनका दर्जा बहुत नीचे जाए आंट यू बिंग वेरी अनकाइंड टू योर ऑडियंस क्योंकि इसी ऑडियंस ने पान सिंह तोमर को सराहा हासिल को सराहा साहिब बीवी गैंगस्टर फर्स्ट एंड सेकंड फ्रेंचाइज को सराहा आपकी और तमाम फिल्म आपको आप मतलब यू हैव बीन इंटरनालाइज एंड इमोरलाइज इन इमोटलाइज सॉरी नॉट इमोरल इन रामाधीर सिंह फिर जब आप को ये लगता है कि ये ऑडियंस ही डिजेनरेट कर गई तो ये आर्ट यू बी लिटल अनकाइंड मतलब ये मेरा ये मेरी चिंता है जो मैं बोल रहा हूँ बोलता इस बात को देखिए एक टाइम था मराठी सिनेमा में एक डायरेक्टर थे पिक्चरें हाँ। किसने नहीं सुना उनके बारे में तो दादा डबल मीनिंग उनका सारी पिक्चर जुबली गोल्ड एन जुब्लीकेट ऑल दिल्स लेकिन उनकी फिल्में मिडिल क्लास लोग वाले नहीं देख देखते थे तो उनकी फिल्में ज़्यादातर नीचे तबके वाले लोग जैसे ऑटो वाले रिक्शा वाले सब वो लोग देते थे और सुपर हिट फिल्में होती थी फिर कुछ साल पहले एक बहुत ए लिस्टेड डायरेक्टर की एक पिक्चर आई मैं नाम दे लूँगा एक बार मैंने नाम ले लिया था फंस गया था मैं फिल्म आई उसमें बड़े बड़े एक्टर्स थे इतने डबल बीनिंग था कि उस पिक्चर का ट्रेलर भी नहीं दे सकते थे आप बहुत ही ज़्यादा अश्लील

बिकॉज देर इज़ अ मार्केट आप अपने आप को कहाँ पाते हैं ये मतलब ये ये कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट मैं तो जो मुझे समझ में आ रहा है तो दिगमांशु धुलिया के दिमाग में एक कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है मैं कमर्शियल सक्सेस के लिए फिल्म बनाऊँ मैं ऐसी फिल्म बनाऊँ कि रात में मैं चैन से सोऊँ कि आज बढ़िया काम किया वो आप, आपकी जद्दोजहद क्या होती है दिमाग में यही होती है देखिए कम फिल्म मेकिंग एक ऐसी आर्ट फॉर्म है ये कोई पोर्ट्री लिखना पेंटिंग करना तो है नहीं कमरा बंद किया काले कागज कल दिया हो गया यहां पे पैसा लगता है इसमें hmm. तो कम से कम कि इतना मानता कि चाहिए सक्सेस कि कम से कम प्रोड्यूसर नुकसान ना हो हो थोड़ा वो भी कमा ले। hmm. और नुकसान ना उसका है ये, hmm. कि आपको थोड़ा एस्थेटिकली और आर्टिस्टिक भी होना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा अब भी जाकेरिटी प्री कोविड पोस्ट कोविड हो गया लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं

ऑन द ब्राइट साइड तिगमांशु जी आपको नहीं लगता ओ टी टी आप जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है मतलब अब आप फिल्म सोच ही क्यों रहे रहें तिग्मांशु धुलिया एक ओ टी टी सीरीज क्यों नहीं बना सकते बनाई मैंने हाँ बनाई मैंने द ग्रेट इंडियन बाउंडर बनाई बहुत चला काफ़ी मतलब नंबर वन स्पॉट पर रहा बहुत करेक्ट है करेक्ट गर्मी बनाया मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स सोनी लिफ्ट लेकिन कई सब्जेक्ट होते हैं जिस पर आप फिल्म ही बना सकते हैं वैसे hmm. तो सिनेमा का एक्सपीरियंस जो है बिग स्क्रीन का वो कुछ अलग चीज होती हाँ. है ओटीटी इज वेरी गुड और हाँ. अब ओटीटी में प्रॉब्लम सब जगह प्लेटफॉर्म में हो गई नहीं कर कर पा रहे अब YouTube की आप आप तो इसी लाइन में हैं जी जो आप तो YouTube पे ही आपका आता है रेड माइक अब आप YouTube की व्यूअरशिप देखिए और सबसे बड़ा कौन चलता होगा मैक्स होगा बिकॉज़ वो फ्री है हां जमीन आसमान का फर्क है दैट इज ट्रू दैट इज ट्रू तो यहाँ सब्सक्रिप्शन लेते नहीं कोविड के टाइम तो लोग अपना सब्सक्रिप्शन किराए पर बेच रहे थे पासवर्ड <laughs> तो बजट्स ओटीटी के अब स्लैश हो गए कोविड के टाइम तो लोगों ने घर में बैठ के खूब देखे वेब शोज अब नहीं देख रहे अब नहीं देख रहे हैं तो इनके बजट्स अभी जो सपोज एक चार करोड़ पर एपिसोड होता था अब वो दो करोड़ पे आ गया है तो फिर आप की कहानी फिर हम जैसे लोग नहीं बना पाएंगे तो वो स्पेस भी कम हो गई है ओटीटी की सिनेमा में फिल्मों में सिर्फ बड़ी पिक्चर तमाशा सर्कस टाइप की होगी तो ही लोग जाएंगे क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है पिक्चर देखना करेक्ट तो भाई कोई आदमी सोचा भाई मैं बच्चों को दो लोग को लेके जाऊंगा तीन चार हजार रुपये खर्चा हो जाता है हाँ। पापा पॉपकॉर्न समोसा गाड़ी की पार्किंग आदमी समझ रहे अच्छा इसकी फिल्म आ रही है शाहरुख खान की या सलमान खान की भाई वही पिक्चर देखेंगे हम जाके बैंक फॉर माई बक हाँ बाकी फिल्म कहाँ कहाँ जाएंगी तो इस वक्त शूटिंग बहुत कम हो गई है हालत बहुत खराब है इस वक्त इस वक्त दिस इज़ न्यू टू मी मुझे तो लगा कि ये ब्लेसिंग होगी फॉर डायरेक्टर्स कि एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया हुआ था मिल वो मिल कुछ टाइम तक था एक हाँ। डेढ़ दो साल बढ़िया गया था हाँ। इस वक्त खत्म हो गया क्योंकि उस पर बहुत विस्तार से बात नहीं हो पाई है तिगमांशु जी मैं वापस पान सिंह तोमर और हासिल पर जाना चाहता हूँ और हासिल से शुरू करते हैं उसकी सेटिंग आइए थोड़ा सा ऐसा बताया गया हम बहुत देर बैठ गए उधर बैठे चलो उसके अंदर चल ले अरे वो लवर्स पैराडाइज है भाई युक्ति मांशु जी कहाँ हमारे साथ चलेंगे मैं उनकी गतिविधियों में हम लोग कलर तो डाल देंगे बेचारे देख के चलना तो आ, हासिल एक न्यूज़पेपर वाला जो है वो लव लेटर लेकर के जा रहा है, है? और देन ही बिकम्स पार्ट ऑफ द प्लॉट Yeah. ये uh, सन 2000 की तो वो नहीं है दिस इज नॉट ये 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 इज दिस अमाउंट ऑफ रियल लाइफ प्लेइंग कहानी है ये कुछ तो मेरी ही है अच्छा <laughs> uh, कुछ तो मेरी ही है नॉट द बेसिक प्लॉट मतलब मेरी जिंदगी में कोई रणविजय सिंह नहीं था हाँ. ऐसा नहीं हुआ हाँ. वो uh, असल में जिस तरह जैसा चाहता वो जो हाँ. न्यूज़पेपर वाला है हाँ. वो एक्चुअली मेरा ब्रिजेंद्र कालाजेंद्र काला, काला जी हाँ। हाँ। वो मेरा कजन ब्रदर भी है रियली really? हाँ। तो तो उसके साथ हुआ था ये हुँ। जो हासिल का मेन प्लॉट है हाँ। तो उसने मुझे बताया था, था। मैंने कहा यार अच्छी कहानी है इसको फिर फिर मैंने कहा स्टूडेंट पॉलिटिक्स जोड़कर बनाता हूँ तो बनी लेकिन हाँ एक वो लव स्टोरी वाला जहाँ तक पार्ट है वो बहुत कुछ मतलब मेरा भी इश्क हुआ मैं भी छोटा था मेरी वाइफ जो है उनके साथ तुलिका। तो चिट्ठी पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती थी <laughs> जबकि वो मेरे घर के सामने ही रहती थी हाँ। तो लेकिन कम्युनिकेशन तो, कहाँ मिलना उलना थोड़ी हो पाता था तो, देख लिया बहुत हो गया हाँ, हाँ। तो, मुझे ऐसे मॉल वॉल होता नहीं था घर से इस तरह से निकलना वो भी हाँ। नहीं था तो चिट्ठियों में हो पाती थी बात या लाइट ऑन ऑफ एक दूसरे के लिए सब हुआ है हाँ इट इज फैंटेस्टिक तो हासिल में वो हाँ। चीज आई है उस हासिल मुझे एक्चुअली प्राइमरीली इट्स अ लव स्टोरी या या बहुत मतलब वो पोर्ट्रेयल इलाहाबाद का आशुतोष राणा जी और इरफान तो खैर उनका एक डायलॉग जो है उसका जो आज भी आज भी हम लोग कोट करते हैं हम गुरिल्ला हैं हाँ। गुरिल्ला वार का गुरिल्ला ये वार। भी इम्प्रोवाइजेशन था ये क्या हुआ हाँ, कि कहाँ बैठे हैं बैठ जाए उधर बैठते हैं उस बेंच बेंच पे। इज़ नाइस। हासिल। वो क्या हुआ? कि मैं में शूटिंग शुरू हो चुकी थी मेरी। तो जि जिस एक्टर की तुम बात कर रहे सिंह तोमर में वर्दी से मांग, हे हे हा, 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 राजीव गुप्ता नाम है उसका शूटिंग दूसरे दिन थी उसकी दिल्ली तो में एक

तुम लोग गुरिल्ला हो गुरिल्ला वार किया जाएगा <laughs> <laughs> तो, ब्रिलियंट डायलॉग तो उसी से आया था फिर अच्छा इसका गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब है लेकिन दिमाग काला बंदर काला बंदर वाह क्या बात है बढ़िया तो वो हासिल मैंने हासल, पूरी हासल, पिक्चर हाँ। जो है 80 परसेंट डायलॉग्स स्क्रीन पे तो लिखा होता है डायलॉग्स 80 सेट पे ही लिखे मैंने

फिर तो आपको बिल्कुल इसी मिजाज के आ, एक्टर भी चाहिए। तभी तो इसी 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 है। बोलता है कि बहुत 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 ज़रूरी है। हाँ। और मैं रिहर्सल-वेहर्सल रिहर्सल विश्वास नहीं रखता कि रहसल... फिर आप बहुत सारे लोगों के साथ काम भी नहीं कर पाते समझे। पत्थरों से भी निकलवा लिया वो ड्रामा स्कूल की देन है यार परफॉर्मेंस निकलवाना ना वो वहां से तो में को आप सेट हो जाता है हाँ। उसी वक्त आप छोड़ दो हाँ। तो कुछ नया निकले हाँ, इम्पल्सिव होता, होता है ना हाँ, जैसे हाँ, हाँ, सबसे अच्छा एक्टर होता है बच्चे हाँ, बूढ़े लोग हाँ, और जानवर उनसे अच्छा एक्टर नहीं होता हर बार कुछ नया होगा कुछ बट नया होगा मतलब अगर बंदर बैठा है तो मैं बंदर को सुबह से लेकर शाम तक देख सकता हूँ ऐसे बैठो कि बंदर आके मैं देख सकता हूँ उसको इतना बढ़िया उसका पूरे भाव भाव किसी को देखना कॉन्सेंट्रेशन इूटिफुल इंसान ही होता है अलग अगली हाँ। अंदर से भी बाहर से भी ओह <laughs> गॉड <laughs> oh एक चिड़िया है जंगल बैबलर द्विंटेंशियल एंग्री बर्ड वो उसको अगर आप देखें तो जंगल बैबलर हमेशा यूं आंखें यूं रहती हैं उसकी और हमेशा क्रोधित अच्छा हाँ तो नया नया जैसे जब लोग कॉलेज से निकलते हैं तो उनको पैशन का एक भूत चढ़ता है जिसमें वो अपने लिए एक एस खरीद लेते हैं वो हमने भी किया और उसके बाद गए भरतपुर और वहाँ जाकर एक जंगल ब्लैपलर की फ़ोटो खींची और वो जब जूम करके देखा वो आंखें मैं उस फोटो कम से कम इवन इफ आई से सो सेल्फ दो तीन घंटे तक देखता रहा बिकॉज जो जो कैरेक्टर्स थे ना मतलब मुझे ऐसे लगता है अगर आपको गुस्सा होना है ना

अगर हाँ, हाँ स्क्रीन पर उनको बच्चा बना दिया आपने एक्टर हाँ, को तब होता मैजिक आपको पता है तिगमांशु जी जब ईरान में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे थे तो करेक्ट मी इफ आई एम मैं फिल्म आई थी चिल्ड्रन और उसमें दो बच्चों की कहानी थी भाई बहन की कि एक जूते वाली जूते हाँ जूते नाली में बह रहा है और वो सब रेस है करेक्ट और वो इसलिए वो माजिद मस्जिदी जो डायरेक्टर हैं वो मूवी बना पाए क्योंकि ईरान में रिस्ट्रिक्शंस है सिनेमा के ये बताइए क्या मैजिक क्रिएट कर दिया उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस के बीच में वो नहीं बहुत ईरानियन सिनेमा में तो अब्बास अब्बासकर इतने रिस्ट्रिक्शन आप कई चीज सब्जेक्ट पे पिक्चर बना नहीं सकते तो ना ह्यूमन human, इंसान ह्यूमैनिटी उनके प्रॉब्लम को लेकर का वो प्रॉब्लम लगती भी नहीं है वो इतनी इनोसेंट होती है वो चीज़ें हाँ। और उसका रेजोनेंस पूरे दुनिया में होता है अब ईरान के पिक्चर मैं देखता हूँ तो मैं भी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता हूँ मुझे क्या मतलब ईरान से यार लेकिन वो उसका थ्रू आउट द वर्ल्ड वही है चक्कर है हाँ। अगर इस रिस्ट्रिक्शन हो ना तो हाँ। मैं फ्रेज बहुत बोलता हूँ हाँ। मारो कहीं लगे वहीं और खूब ये हमने हासिल डिस्कस कर लिया पान सिंह तोमर पे मैं बार बार आ रहा हूँ मुझे मालूम है एट सम पॉइंट इट इरिटेटिंग आल्सो बट चंबल की सेटिंग uh, वो एक्सपीरियंस कितने दिन की शूटिंग थी क्या चंबल में ही शूटिंग हुई या कहीं और हुई कैसे हुआ? जो उनका जो डेकोरेटिव वाला पोर्शन था वो तो वहीं हुई हुँ. चंबल में ही फेयरली लॉन्ग शूटिंग प्रोसेस ना सिक्सटी फाइव सिक्सटी एट डेज की थी हाँ. और स्पोर्टिंग वाला था वो रुड़की में बंगाल इंजीनियर्स हैं वान हाँ. सिंह नंबर बंगाल इंजीनियर्स में ही थे अच्छा तो बड़ा उसके साथ ये हुआ कि हम तो एक तो मैं जब गया देखने मैंने देख तो लूँ कैसा हाँ. का बंगाल इंजीनियर्स का वो पूरा इस्टेब्लिशमेंट तो वो पूरा नहीं था उसमें कोई नए कंस्ट्रक्शन नहीं हुए थे तो मैंने कहा बेस्ट प्लेस यही शूट करते हैं फिर पता नहीं क्या वो जब पान सिंह तोमर का घर दिखाया है हुँ. वो एक्चुअली पान सिंह तोमर का घर था जो मिला हाँ तो वो वही घर था शूटिंग जब चालू हुआ हमको मालूम नहीं था हाँ। फिर लोगों ने आके बताया कि अरे सुबेदार पान सिंह तो मन यही तो रहते थे और एक मेरे ये बड़ा वो है तो फिर देहरादून में भी की फॉरेस्ट रिजर्व रिसर्च इज एफ आर तो वहाँ पे भी की बॉम्बे में भी की स्टेडियम वेडियम चार मिनट में आइसक्रीम बिना पिघले पहुंचाओ हाँ। और वो डायलॉग ना कि सब हम तो बचते भी बहुत थे हां बचते बहुत थे हाउ यू टेल मी अ लिटिल अबाउट योर एक्सपीरियंस विद इरफान डू यू मिस हिम ही 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 वाज माय ओनली फ्रेंड इन मुंबई मतलब मेरे ड्रामा स्कूल में जब गया तो एक नई दुनिया भी मिली गया मुझको इलाहाबाद की दुनिया से थोड़ा डिफरेंट आया थोड़ा उस तरह की एक्टिविटी तो वहाँ तब से लेकर के जब तक वो गुजरा ही वॉज माई फ्रेंड इस दुनिया का और तो उसके जाने से तो मेरे मैं मैं मतलब वो मुझको करेक्ट भी बहुत करता था यू hmm. नो you know, लिखा हो सही हो गलत है उसका मुझको बोलना बुरा नहीं लगता था hmm. आपकी एक ईगो होती है ना यार yeah. थोड़े काम करने के बाद और बढ़ भी जाती है hmm. वो तो कोई और बोले तो अरे तू कौन हो वो hmm. मुझे बोलता मुझे कभी बुरा नहीं लगता था तो उसके जाने से जो हुआ है कि मेरे मुझको लगता है कि मैं आउट ऑफ उसके लिए मैं आउट ऑफ द बॉक्स लिख सकता था हुँ. कि ये मुझे मालूम है इरफान भी इसको परफॉर्म कर ही कर ही लेगा वो अब मैं नहीं कर पाता वो उस तरह का एक्टर है नहीं कोई कब से आप लोग साथ थे मैं ड्रामा स्कूल जब मैं मैं एटी सिक्स में था तो वो मतलब मैं फर्स्ट ईयर में था तब ड्रामा स्कूल में सेकेंड ईयर में जीरो सेशन था तो, देर नो सेकेंड ईयर तो वॉज इन दर्ड ईयर आई वॉज इन द फर्स्ट ईयर तो तब से ये जो पान सिंह तोमर का कैरेक्टर है क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कोई और प्ले करते हुए जब आप लिख रहे थे तो आपको पहले से ही मालूम था कि इरफान ही करेगा मैंने लिखा हाँ सबसे पहले इरफान के पास गया उसको मालूम था कि मैं ये पिक्चर बनाना चाहता हूँ बहुत टाइम से ना। 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 तो लेकिन तब क्या था फिल्म इंडस्ट्री में रिसर्च का कोई डिस्प्ले हो गया है ना। ना। तब रिसर्च क्या चीज़ होती है मैं बताता कि ऐसा कैरेक्टर है धावक था आमी में था बागी बन गया अरे वाह 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 बना लिख दे मैंने कहा यार कुछ मैं एक पन्ना मैंने संडे मैगजीन आती आनंद बाजार की उसमें एक पन्ना पढ़ा था मुझको खुल पता है प्राण सिंह तोमर प्राण सिंह तोमर के बारे में कुछ लिखा होगा थोड़ी गया था नहीं रिसर्च क्या अरे मैंने कहा नहीं तो फिर इवेंचुअली चलिए यू टी वी ने हमारी रिसर्च फंड की ओके क्या करो रिसर्च और स्क्रिप्ट लिखो स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी तो पिक्चर बनेगी तो फिर की तो जब ये सब चला तब तब से ताकि सो मैजिकल आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्टर्स मेंटल क्लॉट या ब्लॉक भी ले आता है कि भाई यही और कोई नहीं नहीं तो नहीं हालांकि आप कह रहे हैं कि मैं पत्थर से भी निकलवा लूँ वो मेरा काम है ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग है बट डू यू थिंक दैट बहुत मुकम्मल और काबिल लोगों के साथ अगर आप काम कर लें तो फिर आप आप फिर और और देखना छोड़ देते हैं आपको लगता है कि यही वैसा या, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं होता नहीं 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 देखिए भाई साहब एक्टर जो होता है ना बाकी सब चीजें जैसे ये कैमरा है आप लोग कर रहे हैं टेक्निक आ जाती है इक्विपमेंट आ जाता है जिमी जिब आ जाती है दुनिया भर सी जी आई वी एफ एक्स सब हो जाता है लेकिन जो चीज एक्टर करता है वो कोई मशीन नहीं कर सकती तो इरफान का तो तोड़ नहीं है कोई दूसरा आँखों से एक्टिंग मतलब वो तो अद्भुत है कई शॉर्ट्स उन पूरा सीन उन्होंने रिक्रिएट कर देना नेम शेख में कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस की थी इरफान बहुत ही बढ़िया लेवल पे जो एक्टर बहुत अच्छा हो जाता है ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता है वो मिनिमलिस्टिक चीजें करता है इट्स लाइक like, uh, अगर आप जापानीज आर्ट या चाइनीज आर्ट है वो लोग हमारी जैसे बहुत इंट्रिकेट ड्राइंग नहीं करते वो तीन स्ट्रोक में ठक 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 बन जाता होगा बन जाता हाँ। चार स्ट्रोक हो बहुत ही वो स्ट्रोक डालने के लिए वो पेंटर वेट करते हैं हाँ। हाँ। और बन गई पेंट जब हाई आर्ट पे जाते हैं ना तब आदमी मिनिमलिस्टिक ही होता है इरफान उस जगह पहुँच गया था सत्य चीज़ें नहीं करेगा वो लेकिन जो करेंगे वो एकदम बारीक और फोकस्ड और हाँ। कम्युनिकेट कर जाए तीर की तरह लगे खाली परफॉर्मेंस हाँ। हाँ। और समाज से लाइफ का एक्सपीरियंस उसका इरफान था उस तरह की चीज़ मतलब इरफान यहाँ जैसे यहाँ पे होता अभी तो बहुत खुश होता वो हाँ। उसको यही सब अच्छा लगता था हाँ। पतंग उड़ाना एनिमल्स हाँ। चले जाना टहलना उसको बहुत ज़्यादा गैजेट और वो उस तरह का नहीं था वो समझिए अक्सर लेकिन एक और चीज़ होती है तो हिगमांशु जी आप मुझे बताइएगा ऐसे जो ये जो पर्सनैलिटी टाइप होती है इनके साथ ये होता है कि जैसे आपसे बात कर रहे हैं एकदम से एक चिड़िया दिख गई उसको ट्रैक करने लग गए या उधर आवाज़ आ रही है तो उधर देखने लग गए जो तो एक क्यूरियासिटी होती है क्रिएटिव ब्रेन में एक बार उधर बहुत डाटा था हाँ। तो मेरा उसका झगड़ा बहुत कम ऐसा कभी हुआ है हुआ ना हाँ तो साहब ही गैंगस्टर पार्ट टू हम लोग कर रहे थे हुँ. तो बारिया एक जगह थी वहीं हमने की थी पार्ट वन भी गुजरात में एक जगह हुँ. है बारिया तो वहाँ पेटेड था उनका हवेली थी तो तो जब सेकंड करने गए तो उनका थोड़ा हो थो थो गया था तो बढ़िया सी गली थी हवेली तो वहाँ कोई होटल वोटल नहीं था हुँ. तो मेन एक्टर्स को हमने उन्हें हवेली में ठहराया था हुँ. तो जब पार्ट वन करने गए थे तो हम लोग शूट करे थे वहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते थे ठीक है तो खाना बनाने वाले ना तंदूर तंदूर नीचे रख दिया तो उससे

मधुमक्खी हटाने के तरीके और भी होते हैं क्वीन को ले लो हाँ। फिर हटा दो तो चली आएंगे हाँ। वो उनको उन्होंने जला डाला ही इमेजिन फॉर हिम उन्होंने उसको ऐसे इमेजिन किया कि मधुमक्खियों का नरसंहार हुआ ही था वो हाँ। तो बहुत दुष्ट हड़काया मुझे बात सही भी कह रहा था सही कह रहा था तो ऐसे कई बार हुआ हासिल में एक सीन था जिसमें वो बोलता है ना भाई आँखी हैं सी एसाली जमी के साथ हा, 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 हा। बैठा हुआ है तो वो सीन उस दिन होना नहीं था उस दिन इरफान की थी छुट्टी हम लोग कुछ और शूट कर रहे थे तो होटल में था वो।, वो होटल से थोड़े दूर भी था शिवकुटी करके एक जगह है वहाँ पर थी ये ये शूटिंग बट मैंने वो लोकेशन देखी मैंने कहा ये सीन यार यहाँ पर बहुत बढ़िया लगेगा और इरफान को बुलाओ तो इरफान उस दिन घूमने उमने चला गया होगा कुछ होगा

एक और डायलॉग था उसमें कि ये बात लिख लो ऐसे करके कुछ एक नोट कर लो इसको लिख लो हां वेरी इंटरेस्टिंग हिज सन हैज आल्सो एक्टेड रियली वेल इन रेलवे मैन बहुत बढ़िया बबलू ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की अच्छा बहुत, बहुत अच्छा बहुत अच्छा वो भी इज ग्रोइंग अब क्या रहा एक्टर की एज 30 साल के बाद होती है तो अभी वो हां जो तीस साल तक आदमी का एक्सपीरियंस हो जाता है ना घर में कोई डेथ आपने एक्सपीरियंस कर चुके होते हो अब हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस कर चुके होते हो हो सकता है पुलिस की लाठी भी खा चुके हो गए दारू पी के तो लाइफ का तीस साल की उम्र तक एक्सपीरियंस हो जाता है जब वो एक्सपीरियंस नहीं होगा तो क्या करेगा आपकी एक्टिंग आप अपनी इमोशनल मेमोरी को यूज़ करते हो ना जब किया मेरे साथ हुआ था अच्छा जैसे सीन में जब वो और यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये माना जाता है द यंगर द बेटर सत्रह तो साल अट्ठारह साल, साल साल क्या नाच गाने वाला होता था ना हाँ। नाच गाना अब वो सब चला गया है कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि इतना नाच गाना नहीं जो गाने गाए फिल्म इंडस्ट्री फिल्मी से उसका मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है मुझे गाने का ना होना अब उससे पहले गाने होते लेकिन मजा आता था लेकिन तब रिक्वायरमेंट ही वही थी हीरोइन कम होनी चाहिए हीरो तो फिर भी बड़ा होता था चलता था कि चालीस साल के हो गए लेकिन अभी यूनिवर्सिटी में ही है स्टूडेंट स्टूडेंट हैं आइए अब बात करते हैं गैंग्स ऑफ वासीपुर की डायरेक्टर को एक्टर बनने की क्यों सूझी और क्यों किया गजब किया है वो किसी से छुपा नहीं है मेरे ख्याल से आप और जो उसमें कैरेक्टर्स थे उससे ज़्यादा लोकप्रिय हैं बातचीत में लोगों की वो कैब में लेकिन क्यों यार पता नहीं इंटरेस्ट देखो ड्रामा स्कूल में एटी नाइन में मैंने पास आउट किया मैंने कभी एक्टिंग नहीं की निकलने के बाद एक दो प्ले किए थे ये दिल्ली में रॉबिंदा के साथ ये सब लेकिन मैंने कभी एक्टिंग पर मैं डायरेक्शन में चला गया और फिल्मों में चला गया थिएटर भी मुझसे छूट गया नाइनटीन से लेकर आज दो फरवरी इतने साल बीत गए मैंने पाँच से ज़्यादा नाटक नहीं देखे होंगे हुँ। पाँच छः नाटक देखे होंगे अब तक थिएटर से मेरा एकदम कट ऑफ हो चुका हुआ तो एक्टिंग भी नहीं की तो मैंने एक फिल्म बनाई थी शागिर्द नाना पाटेकर के साथ तो लोग उसको बहुत बढ़िया पिक्चर है वो थ्रिलर तो उसमें अनुराग को मैंने एक रोल दिया था अनुराग करता था एक्टिंग वो वो प्लेज भी करता था तो मैंने उसको एक रोल दिया उसने किया बहुत बढ़िया किया उसके बाद ये जब वासेपुर आई तो वो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है उससे मुझे दीदी रोल करना है अनुराग ने सर कर लीजिए मैंने पता नहीं किस मूड में मैंने कहा ठीक है कर लूँगा अब वो स्क्रिप्ट छोड़ गया मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी भी नहीं शूटिंग नज़दीक आ गई तो वो प्रोस्थेटिक्स वाले आए मुंह का नाप वाप लेने हाँ, के लिए हाँ, जब वो आए तो मैं थोड़ा घबराया हाँ, यार ये क्या है प्रोस्थेटिक तो मुझे पता चला कि मुझे भी बनना है उसमें हाँ, और वो इतने हाँ, कुछ दिनों के बाद शूटिंग थी हाँ, ना भी नहीं कह सकते थे फिर पता चलेगा तो दो पिक्चर है हाँ, मैंने पूछा भी नहीं था ना क्या एक है दो है बुढ़ा बनना सत्तर साल का वो मुश्किल होता करना एक्सटर्नल परफॉर्मेंस करना ना वो मुश्किल काम होता है वो कर कर के जो मजे एक्सपीरियंस वही कर पाते तो सडनली तो देन द दे पेनी ड्रॉप कि यार यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है और आप कितने साल के थे उस समय जब ये हो रहा था यार कब की है बस ऑन द राइट साइड ऑफ फिफ्टी नो या या पचास से तो कम ही नहीं अभी तो मैं फिफ्टी सिक्स हूँ तो तो मैं फोर्टी दस नहीं साल हो गए मूवी को फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स तो तब हुआ तो बट मैं ना नहीं मैं गया बट वो हो गया वो इसलिए एक्टिंग में क्या है ना बहुत कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो एक्टिंग नहीं हो सकती तो इतनी पिक्चर बनाने के बाद तो एक कॉन्फिडेंस आ ही जाता था आ ही गया था कि फिर जो बना रहे थे सब दोस्त यार थे रानोराज भी दोस्त है कैमरामैन भी दोस्त है बाकी लोग जो कर रहे हैं काम मनोज वाजपेयी ये सब सब दोस्त हैं तो आप उस फ्रेंडली माहौल में तक हो गई एक्टिंग वो कैसे भी मुझे नहीं मालूम

ठीक तो है दोस्तों भाई पूरा है उसमें अब जैसे जब तक ये सलाह सनीमा है सनीमा बहुत अवधि है आ, सनीमा।, सनीमा जो है वो इट्स अ वेरी अवधि वे ऑफ सेइंग सिनेमा और फिर ये तुमसे ना हो पाएगा बच्चन अमिताभ बच्चन अमिताभ और छोटी छोटी चीजें चेहरे का जब जैसे कोई भूल जाते हैं तो अरे वो क्या है उनका हाँ। <laughs> ये भी सब इम्प्रोवाइजेशन था नहीं ये तो ये तो एक्टिंग थी हाँ। वो सीन तो लिखा हुआ था जो ये

थोड़ा सा और वॉक करते हैं और ये जो अगला भाग है इस इंटरव्यू का तिग्शु जी इसमें मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी और अहम सवाल पूछने जाऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप उसका जैसे कि ट्रू टू, टू योर नेचर बेबाकी से जवाब एकदम बेबाकी से जवाब दीजिएगा एंड दैट विल बी लेट्स जस्ट वेट फॉर द सेकेंड पार्ट फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या मुद्दा है जिस पर बात करते हैं आइए चलते हैं